हेलो पीपल। यस, तो लास्ट लेक्चर हमने छोड़ा था रेट ऑफ हीट लॉस पे। हाँ, उसके बाद के बात करेंगे, पर मेरे को कुछ अब एक बात करनी है आप लोगों से कि जो भी कुछ आप कर रहे हो उस पे आपको डेफिनेटली डाउट्स होंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको डाउट्स को आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो कुछ लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कुछ लोग मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक से कनेक्टेड है, वो वहां पूछ सकते हैं। बट जब तक डाउट नहीं पूछोगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो कीप आस्किंग योर डाउट्स, जो लिखा है सामने उसको उतार लो और आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रेट ऑफ हीट लॉस फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होता है, आर एच डी क्यू बाई डी टी सिग्मा ए टी की पावर 4 - T0 की पावर 4 जूल्स पर सेकेंड। तो अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग क्या है। रेट ऑफ कूलिंग मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर गिर रहा है। ठीक है भाई, तो उसको देते हैं हम नाम आर एफ। तो डी क्यू बाई डी टी हमने हीट में, अगर आपने पढ़ा है तो हीट सेक्शन में अपन पढ़ते हैं डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, एम एस डी टी बाई डी टी। एम एस डी टी बाई डी टी, डी टी मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 - T0 की पावर 4। उससे हमारे पास डी टी बाई डी टी की वैल्यू आ जाती है आर एफ डी टी बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एम एस टी की पावर 4 - T0 की पावर 4। तो अब अपने पास एक सिंपल सा टेबल है, उस टेबल को देख लेते हैं। उससे अपने को पता चलेगा कि अलग अलग बॉडीज के लिए कैसे वेरी करता है। तो अगर बॉडी में दो सॉलिड स्फीयर हुए, सेम मटेरियल हुआ, सेम टेम्परेचर टी, मतलब टी आउटसाइड और टी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दोनों सेम है, एस सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, रो सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, डिफरेंट क्या है, रेडियस डिफरेंट है, आर वन एंड आर टू। तो रेट ऑफ हीटिंग किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेट ऑफ हीटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर स्क्वायर के, क्योंकि यहां आता है एरिया, एरिया में आएगा आर स्क्वायर, एंड रेट ऑफ यहां आता है एरिया और एरिया में हो जाएगा आर स्क्वायर। और रेट ऑफ कूलिंग के लिए क्या होगा, रेट ऑफ कूलिंग होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा एम एस। अब इसमें क्या क्या सेम है, देखो एस सेम है तो एस की जरूरत नहीं है, रो सेम है मतलब मास सेम है उसकी भी जरूरत नहीं है, टेम्परेचर सेम है वो भी निकल गया, सिर्फ क्या बचा 1 बाय आर, सिर्फ क्या, हाँ ओके। यहां आएगा क्या, मास के साथ आएगा रो इन टू वी वॉल्यूम, क्या आएगा रो इन टू वी। अब एरिया और वॉल्यूम में से कट के रह जाएगा, सिर्फ नीचे बचेगा क्या 1 बाय आर, तो वो आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। नेक्स्ट देखेंगे टू सॉलिड्स विद डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल टेम्परेचर दोनों के सेम है बट मटेरियल डिफरेंट है, तो मटेरियल डिफरेंट है तो मतलब क्या चेंज हो गया, एस चेंज हो गया, रो चेंज हो गया। ठीक है भाई, तो आर तो है ही चेंज्ड। अब अगर आरएच की बात करोगे तो आरएच के फॉर्मूले में तो स्टीफन कांस्टेंट, एरिया, टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है तो एरिया पे डिपेंडेंट हो गया आर, एरिया पे डिपेंडेंट हो गया मतलब आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट हो गया। आरएफ की बात करेंगे तो आरएफ में एरिया ऊपर नीचे एम, यहाँ एस, अब इसमें सब अलग है, एस अलग है बिल्कुल अलग है, यहाँ पे ए बाय बी हो जाता है तो 1 बाय आर आ जाता है, तो वो रेडियस पे भी डिपेंडेंट हो गया, और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं डेंसिटी, यहाँ जो अलग चीज है डिफरेंट मटेरियल है उसमें डेंसिटी भी डिफरेंट होगी, तो यहाँ डेंसिटी में भी डिफरेंस आ गया। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर रो एस, आर इंटू रो इंटू एस, दैट इज रेडियस इंटू डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक हीट। डिफरेंट शेप बॉडीज, क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, फ्लैट सरफेस, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दोनों, मतलब टेम्परेचर सारी बॉडीज के लिए अंदर बाहर सेम है, वॉल्यूम्स हर बॉडी, वॉल्यूम हर बॉडी का सेम है और मटेरियल भी हर बॉडी का सेम है। तो अगर वॉल्यूम और मटेरियल दोनों हर बॉडी के सेम हो गए तो आर एच अगेन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ओनली एरिया, रेडियस पे डिपेंडेंट कर जाएगा एरिया, एरिया मतलब यहाँ पे एरिया क्या होगा, अब रेडियस तो है नहीं, क्यूब है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम फॉर फ्लैट सर्फेस एंड मिनिमम फॉर स्फेरिकल सर्फेस। तो जितने भी सर्फेसिस फ्लैट है उनके लिए मैक्सिमम हो जाएगा आर एच, और जितने भी सर्फेसिस स्फेरिकल है उनके लिए मिनिमम हो जाएगा आर एच। ऐसे आर एफ की बात करेंगे तो आर एफ में क्या आता है, ए बाय वी, यहाँ पे ए बाय वी आता है। अब मटीरियल सेम है तो रो सेम है, एस सेम है, ये भी सेम है, तो सिर्फ चेंज क्या हो गया ए बाय बी पे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए बाय बी के। उसके लिए भी मैक्सिमम फॉर फ्लैट सर्फेस आता है और मिनिमम फॉर स्फेरिकल सर्फेस आता है, चलो कोई बढ़िया बात है। फोर्थ टाइप देखते हैं कि दो स्फीयर हैं, एक सॉलिड है एक हॉलो है, उसमें क्या होगा, सॉलिड है हॉलो है एरिया को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, बाहर का एरिया तो सेम है 4 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों में आर एफ में दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। आर एफ में अगर देखोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है, मास में फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहां पे मास सेम नहीं दिया है, बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। तो आर एफ देखो मैक्सिमम किसके लिए आ जाएगा, होलो स्फीयर के लिए, और मिनिमम किसके लिए आएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए, क्यों, क्योंकि होलो स्फीयर का मास कम होता है और सॉलिड स्फीयर का मास ज्यादा होता है।
फिर डिफरेंट बॉडीज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, उसमें टेम्परेचर सेम है, मास सेम है, एरिया सेम है, क्या डिफरेंट है? एस डिफरेंट है, तो अगर एस डिफरेंट है तो आर एच में तो एस आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये सब सेम हो गया, तो आर एच इज सेम फॉर ऑल बॉडीज। आर एफ की बात करेंगे तो वो सिर्फ एस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वन अपॉन एस। तो इस तरीके से अलग अलग बॉडीज के साथ वेरी होता है रेट ऑफ कूलिंग एंड रेट ऑफ हीट लॉस। नेक्स्ट लेक्चर में हम जाके फोकस करेंगे, किस पे फोकस करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, वो इंपॉर्टेंट है, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एंड ठीक है, जाओ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और नोटिफिकेशंस को ऑन रखो, क्योंकि लेक्चर्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं और आगे अब आज के दिन में ही और कई सारे लेक्चर्स और भी आएंगे। तो आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि आप लेक्चर अटेंड करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कमेंट्स में डाउट्स पूछें और जो भी कुछ है वो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। टेक केयर, बाय बाय।